कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ जो सच्चाई हकीकत है ना, जो ये बोलते हैं लोग बाग बाहर जाके आप इतना कमा लेते हो, ऐसे रहते हो, तो मैं दोस्तों आज वो सच्चाई बताने वाला हूँ। आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, मैंने कोई वीडियो में ज़्यादा एडिट नहीं किया है, सिर्फ जो हकीकत है वो दिखा रहा हूँ। ये देखिए मेरे पीछे, आप भी देख रहे होंगे दोस्तों, ये मेरे छोटा सा रूम है। मैं सऊदी में हाउस ड्राइवर का काम करता हूँ। जो भाई सऊदी में आना चाहते हैं वो ज़रूर देख लें, उनको अकेला रहना पड़ेगा, दूसरा बंदा साथ में नहीं रहेगा। देखिए दोस्तों, ये मेरा बेड है और मैं भी आपको सब दिखा देता हूँ पीछे से बैक करके। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, क्योंकि बहुत भाई की मैं सच्चाई बताने वाला हूँ दोस्तों। जो भाई ये बोलते हैं कि तुम वहाँ जाके ऐसे करते हो, ऐसे रहते हो, मैं दिखा देता हूँ। देखो दोस्तों, ऐसे रहते हैं दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मेरा रूम है, ये छोटा सा रूम है, देख ले होगे आप, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और ये मेरा बेड है, इधर इधर अपने कपड़े टांगा हुआ है, इतना स्पेस होता है छोटा कि अपना कपड़ा वगैरह, इधर अपना बर्तन वगैरह है खाना वाना बनाने के लिए, ये अपना इधर से सारा बर्तन है, और अपना इधर ये पानी पीने के लिए ऐसा है, पानी मिलता है, और यहाँ पे ये सामान रखने के लिए छोटा सा आपको अलमारी मिलता है, ये रहा, इसमें अपना थोड़ा सामान रख लीजिए खाना बनाने वाला। ये ऊपर एसी लगा हुआ है, इधर ये कपड़े हैं, और मैं आपको इधर दिखा देता हूँ दो रूम दोस्तों। और इसमें फ्रिज भी है, हमारा छोटा सा फ्रिज है, और ये फ्रिज हमने अपना इधर रखा हुआ है क्योंकि स्पेस कम है। ये यहाँ पे अपना ये फ्रिज रखा हुआ है हमने, ये देख के भी खोल के दिख, ये हमारा छोटा सा फ्रिज, इसमें अपना सामान वामान रख लीजिए, छोटा सा फ्रिज आता है ये अपने इसके नीचे रखा हुआ है क्योंकि स्पेस कम है तो यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये पीछे ही टॉयलेट है, बस साथ में टॉयलेट होता है छोटा अटैच। ये हमारी वॉश बेसिन है, और मैं आपको सब दिखा देता हूँ। ये हमारी नहाने का साबुन है, और ये दोस्तों हमारी कोलगेट ब्रूस है, आप इधर मिरर में देख रहे होंगे। ये इधर बर्तन धोने का होता है ये फेरी, और ये ब्रूस कपड़े धोने का, ये साबुन, ये बाल्टी नहाने के लिए, सावर भी लगा हुआ है वैसे, अगर इससे नहाना चाहे। इधर है गर्म पानी भी चाहिए आपको, टॉयलेट है, और ये इधर वॉश बेसिन है। ये छोटा अपना इधर सारा सामान रखा हुआ है, ये साबुन है, सरफ है, और ये होता है दोस्तों, ये छोटा सा रूम होता है, देख लीजिए आप भी। आप बोलते हैं कि हाउस ड्राइवर में, ये देखो ये हाउस ड्राइवर में छोटा सा रूम मिलता है, बस इतना। तो दोस्तों अपना माइक भी दिखा देता हूँ, ये मेरा माइक है देखिए, छोटा सा, जिससे मैं वॉइस रिकॉर्डिंग करके आपको बताता हूँ। ये छोटा सा माइक है मेरे पास, ये मैंने इंडिया में लिया था, और तो उससे बाद मैं इधर लेके आ गया अभी, इससे मैं आपको, जिससे अपने मेरी वॉइस सुनाई देती है थोड़ा, मैं इससे बात करता हूँ। अभी मैंने नहीं लगाया हुआ क्योंकि आपको दिखाने के लिए माइक। तो ये अपना बेड है इधर छोटा सा, तो ये है दोस्तों, ये हाउस ड्राइवर में छोटा सा रूम मिलता है। ज़्यादातर सभी के ये इतने छोटे रूम है दोस्तों, आप देख भी रहे होंगे वीडियो में कितना सा रूम है। इधर एक दीवार है बस, और एक इधर है। अगर आप इधर से देखना चाहें तो ये बीच से थोड़ा सा रास्ता बचता है, इसमें आप बैठ जाए, खा ले, पी ले, उठ ले, और ये सोने के लिए आपका बेड है इधर, ये रहा, आपको इधर सोना है बस। ये इधर अपना बाहर का व्यू, अपना ये अपना छोटा सा रूम है दोस्तों। मैंने इस वीडियो में सिर्फ ये सच्चाई बताई है दोस्तों कि हमारे ये रूम मिलता है, और इसमें आपको अकेला रहना है, दिन में ड्यूटी करना है, शाम को आके सो जाना है, अपना खाना बनाओ और खाओ। तो बहुत लोग भाई बोलते हैं कि नहीं यार तुम ऐसे कमरे मिलते हैं, मिलते हैं, वो सबका अलग अलग होता है, हर एक से ज़्यादातर 90% रूम आपको ऐसे ही मिलेंगे, छोटे रूम, उसमें आप अकेले रहेंगे। तो देख ले दोस्तों, अगर कोई भाई आना चाहता है हाउस ड्राइवर में तो उसको ऐसा ही रूम मिलेगा। मैं लाइव सच में बहुत, अभी मैं सऊदी से ही मैं हूँ फ़िलहाल रियाज के अंदर, और ये मेरा रूम है, तो मैंने आपको दिखाया दोस्तों, शेयर किया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा न्यू चैनल है, ज़्यादा पुराना नहीं है। पहले मैं इंडिया में वीडियो बनाता था, अभी मैं सऊदी में आ गया हूँ, तो मैं आपको यहाँ के थोड़ी हर चीज़ें दिखाऊँगा धीरे धीरे। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें।